विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर निगम द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में विधायक महापौर सभापति द्वारा रोपे गए पौधों को कुछ ही देर बाद उखाड़ फेंक दिया गया, जहां अब सिर्फ पौधे के बजाय टायर के निशान नजर आ रहे हैं। दुर्ग नगर निगम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शिवनाथ नदी मुक्ति धाम मार्ग पर वृहद पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 150 पौधे यहां पर लगाए गए थे, जिसमें मुक्ति धाम जाने वाली सड़क के दोनों किनारों पर पौधारोपण किया गया था। इस मौके पर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आर.एन. वर्मा, पर्यावरण प्रभारी सत्यवती वर्मा सहित अन्य ने अपने नाम का एक एक पौधा रोप दिया था। इसके साथ ही निगम के ऑफिसर्स, कर्मचारी व अन्य समाज सेवियों ने अपनी उपस्थिति देकर पौधे लगाए थे। पर वहीं कुछ ही देर बाद निजी भूमि स्वामी द्वारा आवागमन बाधित होने का हवाला देते हुए इनमें से 20 पेड़ को उखाड़ दिया गया और जेसीबी की मदद से जमीन को समतल भी कर दिया गया, जिसका मौके पर मौजूद टायर के निशान भी नजर आ रहे हैं। इस मामले में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा और पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, इन 4 वर्षों में दुर्ग शहर के नागरिकों ने लगातार पढ़ा है। इस साल 1.5 लाख पौधे, इस साल 1 लाख पौधे, इस साल 50,000 का रिकॉर्ड। मैं जानना चाहता हूँ दुर्ग शहर में वो पौधे पेड़ बन के कहाँ हैं। दुर्ग में आप जेल तिराहा से लेकर के पुलगांव तक की सड़क को ले लीजिए, आप पोटिया से बोरसी मार्ग ले लीजिए, आप माननीय गृह मंत्री जी के आवास के एरिया को ले लीजिए, आप ग्रीन चौक से लेकर धमधा नाका तक ले लीजिए, कातुल बोर्ड के क्षेत्र को ले लीजिए और गंजपारा चौक से लेकर शिवनाथ नदी तक। ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जो पेड़ हैं वो सब 15 से 20 वर्ष के उम्र के क्यों हैं? हमारी नियत में खोट नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमने पेड़ बड़ा करके दिखाया है। अगर 4 वर्षों में लाखों पेड़ लगे तो दुर्ग शहर की नागरिक माननीय अरुण वोरा जी से पूछ रही है कि आखिरकार वो पेड़ गए कहाँ। ये केवल अखबारों में डाटा, अखबारों में आंकड़ों के लिए पेड़ पालते हैं, ये पेड़ नहीं लगाए अपितु गौरव पथ सहित अनेकों जगह के पेड़ काटे गए, इन्होंने एक भी पेड़ नहीं लगाया और जो पेड़ लगाया वो ज्यों का त्यों चला गया। कल का जो मामला है उस पर यह है कि इन्हें भली भांति जाँच कर लेनी चाहिए। अरे कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए, इनकी नियत में ही पेड़ लगाना नहीं था, इनकी नियत में फ़ोटो खिंचाना था, इसलिए इन पेड़ों के साथ में ऐसी स्थिति आई है। और ये सरकार 4 सालों में माननीय धीरज बाकलीवाल के महापौर बनने के आज तक के मोहल्लों में ट्री गार्ड नहीं बांट पाई। जो ट्री गार्ड बटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के हैं। पर्यावरण के विषय में इस सरकार को कोई लेन देन नहीं है और विधायक जी आप जानते हैं वो दिखावे की राजनीति करते हैं, उनको फोटो खिंचाने से मतलब है, न पेड़ बड़ा करने से मतलब है, न सड़क अच्छी बनाने से मतलब है, न लोगों के घर में पानी पहुँचाने से मतलब है, केवल फीता काटो, पत्थर लगाओ, नाम चलाओ, ये माननीय विधायक जी की कार्यशैली है। ये दुर्ग शहर का दुर्भाग्य है कि हरियाली के नाम पर हम आज भी तरस रहे हैं। कल की बात है, कल पर्यावरण दिवस था और नगर निगम की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आहूत किया गया था। विधायक महोदय, महापौर जी, सब लोग वहां पर वृक्षारोपण किया और दुर्भाग्य देखिए कि उसके कुछ घंटे बाद वहां पर पेड़ उखाड़ लिया जाता है। वहां पर जितने संख्या में पेड़ लगाया जाना था, और उससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि विधायक और महापौर जी ने जो पेड़ लगाए थे वो पेड़ सारे उखाड़ लिए गए, और क्यों उखाड़े गए इसके कारण को कोई बता नहीं पा रहा है। पूरे शहर की बात करें, इस भीषण गर्मी में लोग छांव के लिए तरस रहे। हम गौरव पथ की बात करें तो गौरव पथ में जो पेड़ लगाए गए थे वो पेड़ भी उखाड़ दिए इन लोगों ने। हम अगर पूरे 20 साल में बात करें, तत्कालीन महापौर आदरणीय सरोज पांडे जी के कार्यकाल से लेकर के डॉक्टर शिव कुमार तमेर और चंद्रिका चंद्राकर जी के भाजपा शासन के कार्यकाल में जितने पेड़ लगाए गए थे, अगर उसकी तुलना भी हम करें तो उस 10% पेड़ भी इन लोगों ने नहीं लगा पाए, और पूरे अभी 4 साल के इनके कार्यकाल में केवल खानापूर्ति हुई। कल शिवनाथ नदी में, वहाँ पूर्व में भी आदरणीय सरोज पांडे जी के कार्यकाल में वृहद पैमाने पर पेड़ लगाया गया था, वो पेड़ भी इन लोगों ने रख रखाव नहीं कर पाया। और कल जिस प्रकार से वृक्षारोपण करके जो पेड़ उखाड़े हैं उसके बाद, ये हास्यास्पद है। ये इससे साबित होता है कि दुर्ग शहर के विधायक और महापौर दुर्ग शहर में हरियाली के मामले में कितने गंभीर हैं, ये पूरे शहर देख रहे हैं। लोग छांव के लिए तरस रहे हैं और ये अपने सत्ता में मस्त हैं। आने वाले समय में दुर्ग शहर की जनता इसकी जवाब देगी। जिस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाता है, इसमें फलदार छायादार वृक्षों को पर्यावरण संरक्षित करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। इस मामले में निगम के जिम्मेदार अधिकारी किस तरह का संज्ञान लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा रोपे गए पौधों को नई जगह देंगे, ये तो सोचने वाली बात होगी।
ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।